वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब पटवारी जिलादार और इरीगेशन बुकिंग कलर्क दे लई जो पेपर PSSB बोर्ड दे द्वारा 8 अगस्त 2021 नूं संडे वाले दिन ऑफलाइन कंडक्ट किया गया है। ठीक है जी, इस दी आंसर की डिस्कस करांगे आपां इस वीडियो दे विच। ठीक है, इस तो बाद एक वीडियो होर आएगा जिस दे विच आपां कंप्लीट सल्यूशन भी देखांगे इस कंप्लीट पेपर का। ठीक है, इस दे विच जस्ट आप आंसर की डिस्कस करांगे, इस दे नाल तुसीं ने मैच करने ने सारे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसने ने कि तुहाने इस आंसर की दे अकॉर्डिंग किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए ने। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन पूछा गया सी, पहले जो 10 क्वेश्चन सी वो इंग्लिश तो पूछे गए सी, उन्होंने कवर कर दें आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया सी, इस दे विच चार पार्ट दे विच एक सेंटेंस वंडिया गया सी और आपां नूं पूछा गया सी इस दे विच किस पार्ट दे विच एरर है। इस दे जो पार्ट दे विच एरर है वो है बी ऑप्शन दे विच, इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है सैकेंड नंबर क्वेश्चन, इस दे विच जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन है वो पूछा गया सी कि आएगी एक्सैप्शन तो बाद। ठीक है, इस दे विच जो अपने कोल प्रेपोजिशन यूज होएगी वो होएगी टू, ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन के आप एक एडियम एंड फ्रेज दिता गया सी और इसका अर्थ पूछा गया सी। ठीक है जी, इसका जो अर्थ दिता गया अपन वह दिता गया है डी ऑप्शन के अंडरसटैंड इट, अंडरसटैंड इट। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आपको ग्रामैटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जो करैक्ट सेंटेंस है वह पूछा गया सी, इस आंसर है ए ऑप्शन के विलेजेस वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, इस आंसर है ए ऑप्शन फोर्थ नंबर का। नैक्सट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन, इस दे विच जो फिल्म वाज बिगनिंग है इसनों आप किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, ये पूछा गया है। जो फिल्म वाज बिगनिंग है इसनों आप रिप्लेस कर सकते हैं फिल्म हैड बिगन दे नाल, इस आंसर है बी ऑप्शन फिल्म हैड बिगन। नैक्सट क्वेश्चन देखो छे नंबर क्वेश्चन, छे नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है जो ये सेंटेंस है इसके लिए आप मोस्ट एप्रोप्रिएट सबस्टीट्यूटेड जो वर्ड है वो किड़ा यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, इसके लिए जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं कॉन्साइंस। ठीक है, इसका आंसर है बी ऑप्शन कॉन्साइंस। नैक्सट क्वेश्चन है सैवंथ नंबर क्वेश्चन, इस जो टैक्सिट वर्ड है इसका आपको पूछा गया जो टैक्सिट वर्ड है इसका जो नीयरेस्ट वर्ड है वो पूछा गया से, यानी बेसिकली सिनोनियम पूछा गया से, इसका सिनोनियम है अनस्पोकन, ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो एट्थ नंबर क्वेश्चन, एक वर्ड है जिसका नाम है चेवालरस। ठीक है, इसका ऑपोजिट पूछा गया सी, इसका जो ऑपोजिट है वह है डिसऑर्डरली, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन के आपको एक वर्ड दिता गया है, इस बेसिकली आपको पूछा गया है मिस स्पेल्ट वर्ड, इस जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वह है सी ऑप्शन एंटीसीपेटड, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ नंबर क्वेश्चन, इसमें आपने अरेंज करना सी, इस जो सही अरेंजमेंट होएगी इसकी वो होएगी सी ऑप्शन के, सब तो पहला आएगा आर यानी पीपल ऑफ द ऑल प्रोफेशंस, उस तो बाद क्यू आएगा वेन टू हिम, उस तो बाद एस आएगा फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एंड उस तो बाद आएगा लास्ट दे पी एट हिज डिस्पेंसरी, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो पंजाबी व्याकरण के पूछे गए थे उन्होंने कवर कर दें। ठीक है, सब तो पहला पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच बेसिकली समानार्थक शब्द है जिहड़ा वो चुनना है अपने। ठीक है, चानण का, चानण का जो समानार्थक शब्द है वो है सी ऑप्शन रोशनी। नैक्सट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, सुचज्जा, जो सुचज्जा शब्द है इसका अपन विरोधी शब्द पूछा गया सी। ठीक है, यानी ओपोजिट वर्ड पूछा गया सी, इसका ओपोजिट वर्ड है कुचज्जा, इस आंसर है सी ऑप्शन कुचज्जा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 13 नंबर क्वेश्चन, जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उन्होंने की बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं टकसाल, इस आंसर है सी ऑप्शन टकसाल। ठीक है, नैक्सट है 14 नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखे मुहावरिया के अर्थ के आधार पर सही चोन करो, फोकिया टहरा मारनिया, इसका आपको पूछा गया से यह मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया से, इसका आंसर है सी ऑप्शन झोली चुक, इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, इस 15 नंबर क्वेश्चन के आपको बेसिकली की पूछा गया से, हेठ लिखे शब्दों में कि समानार्थक शब्द नहीं है, यानी जबर जुलम कहर यह सारे एक दूजे समानार्थक ने, बट जो नया है यह अलग शब्द है, समानार्थक नहीं है वो पूछा गया से, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नया। नैक्सट क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया से जो गलत वाक है वह कि है, वह है सी ऑप्शन उठ अते गऊं विक गए, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट है 17 नंबर क्वेश्चन, उंगली करनी, उंगल करनी या उंगली करनी क्यों गल है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है अपना इस तो भाव की है, इस तो भाव है दोष लाना, इस आंसर है ए ऑप्शन दोष लाना। नैक्सट है 18 नंबर क्वेश्चन, इस पुरखवाची प्रणाव पूछा गया सी, जो पुरखवाची प्रणाव दिता गया अपन वह दिता गया है सी ऑप्शन के कोई, मैं तू असी, यह आप डिस्कस कर चुके हैं सारे दे सारे। ठीक है, और इस जो पुरखवाची प्रणाव नहीं है वह कि है सी ऑप्शन कोई। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, मुख्य किरिया के काल बोधक अंश नूं की कहिंदे हन, उसनूं कहिंदे हन सहायक किरिया, इस आंसर बी ऑप्शन सहायक किरिया। नैक्सट है 20 नंबर क्वेश्चन,
इस दे विच पुछा गया सी हेठ लिखे शब्द समूहां विच केड़ा शब्द जोड़ा पक्कों सही है। इस दे विच जो जोड़ा सही है वह केड़ा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, 84 दोपहर चौगिरदा, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पुछा गया सी ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन द, यानी बेसिकली जो लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कंप्यूटर दे विच, यह किस दे द्वारा डन की जाती है? यह की जाती है सीपीयू दे द्वारा, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट दे द्वारा, इस आंसर सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये पुछा गया सी जो 22 नंबर क्वेश्चन है, केड़ा काम है जो केड़ा प्रोसैसिंग है जो डाटा प्रोसैसिंग फंक्शन है जो कंप्यूटर नहीं परफॉर्म करता। ठीक है, चार दे विचों केड़ा है वो है गैदरिंग डाटा जो है यह कंप्यूटर जो इसका काम नहीं है, यह ह्यूमन बीइंग ही कोई कर सकता है, कोई भी डाटा इकट्ठा करना हो। ठीक है, इस आंसर है ऑप्शन गैदरिंग डाटा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन, अगर आप डिलीट जो की है यह यूज़ करनी है, किहड़े करैक्टर नूं आपां डिलीट करने लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, यह होंदा है राइट, यानी बेसिकली डिलीट की है जी, यह आपां पूछा गया है इस दे विच टू डिलीट करैक्टर्स टू द डैश ऑफ द करसर, यानी जो राइट होंगे ने करसर दे, ठीक है, उसनों डिलीट करने के लिए आप जो डिलीट की है वो यूज़ करते हैं, इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जो ईमेल अकाउंट होंगे इस दे विच स्टोरेज एरिया जो होंगे इसनों की बोलते हैं आप? इसनों बोलते हैं मेल बॉक्स, इस आंसर है सी ऑप्शन मेल बॉक्स। नैक्सट है लाइन ब्रेक के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ करांगे केड़ी करांगे, इस आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर। नैक्सट है 26 नंबर क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय, यानी जो मूवमेंट होंगी है सिग्नल की, इनू कौन कंट्रोल करता है? इनू कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, इस आंसर बी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। नैक्सट है 27 नंबर क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, यानी डिजिटल जो घड़ियाँ होंगे ने, ठीक है, वॉचिज होंगे ने, उन्होंने कि प्रकार का किस टाइप का जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो है इंबैडेड कंप्यूटर, इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जो पेन ड्राइव है किस प्रकार की मैमरी है? एक फ्लैश मैमरी है, इस आंसर है ए ऑप्शन फ्लैश मैमरी। नैक्सट है 29 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है अगर आपने कोई भी डॉकूमेंट या फिर कोई भी फाइल आपने अपने कंप्यूटर तो आपने इंटरनेट के उपर पानी है सर्वर के उपर, ठीक है, कोई भी इनफॉर्मेशन उसमें आप बोलते हैं, उसमें आप बोलते हैं अपलोड, जिस तरह आप फेसबुक के कोई भी डॉकूमेंट कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, उसमें भी बोलते हैं आप अपलोड। ठीक है, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन अपलोडिंग। नैक्सट है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन के डी आर सोलोमन एंड मैक कैफे यह की है? यह एंटीवायरस ने, इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन एंटीवायरस। नैक्सट है 31 नंबर क्वेश्चन, जो मल्टीमीडिया स्टिमुलेट्स ने जोड़े इस बेसिकली पूछा गया कि मल्टीमीडिया के की कुछ नहीं आता मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया के साउंड इमेजस मैमरी वगैरह सारा कुछ आ जाता, साइट नहीं आता, इस आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन साइट। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ड है जोड़ा वैब पेज के उपर जो आप क्लिक करते हैं आप अदर डॉकूमेंट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, उसमें आप बोलते हैं? उसमें बोलते हैं आप हाइपरलिंक, इस आंसर है बी ऑप्शन हाइपरलिंक। ठीक है, नैक्सट है 33 नंबर क्वेश्चन, एम एस वर्ड के सुपर स्क्रिप्ट सबसक्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो इन्हों आप बोलते हैं? इन्हों फोंट इफेक्ट बोलते हैं, इस आंसर है डी ऑप्शन फोंट इफेक्ट्स। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, 34 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि फंक्शन है जो कि आप यूज़ करते हैं करंट टाइम वर्कशीट सैल के फिल करने लिए, ठीक है, उस आप फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल टू नाओ, ठीक है, यह ब्रैकेट अपने को यूज़ होंगे जो अपने जो एंटर करंट टाइम होंगे वर्कशीट सैल के अपने एंटर करना होंगे, ठीक है, इस आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है कि साइन है जो कि स्पैसीफाई करता है सैल रेंज नू जो साइन स्पैसीफाई करता है वह करता है कॉलन, इस आंसर है ए ऑप्शन कॉलन। नैक्सट है 36 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा यह इतों स्टार्ट हो रहे हैं अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट भी है वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के दस देना। ठीक है जी, इस 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, कि शुगर केन की जी स्टेज है ग्रोथ स्टेज है जिसन जो इरीगेशन के लिए क्रिटिकल होंगी है, यह पूछा गया, इस आंसर है ए ऑप्शन जर्मीनेशन फेस, इस आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिख के दस देना या फिर तुम्हें पिन कर देंगे कमेंट तुहाडे लई। ठीक है जी, उस तो नैक्सट है 38 नंबर क्वेश्चन, जो पिंक वॉल वॉम है यह सीरियस पेस्ट है किसका, यह है खतरनाक कीड़ा किसका, कॉटन का, इस आंसर है बी ऑप्शन। उस तो बाद पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछी गई सी, इस आंसर है गोविंद पल वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, इस आंसर है सी ऑप्शन, यह बेसिकली उत्तराखंड के लोकेटड है वही है। ठीक है, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। नैक्सट है 40 नंबर क्वेश्चन, मेज़ तोरिया और वीट मूंग ये रोटेशन क्रॉप्स ने, ठीक है,
ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 41 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਇਨ ਟੂ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਐਸਿਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 42 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 42 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, 5 ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 43 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 44 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 44 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕ੍ਰੋਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੋਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕ੍ਰੋਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 45 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਾਰਲੇ ਔਰ ਮਸਟਰਡ, ਬਾਰਲੇ ਔਰ ਮਸਟਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜੀਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਲੇਡ ਬਾਏ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 47 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੁਆਬਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 48 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗਹਿਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 49 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 50 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 51 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 52 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਕਾ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 53 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 56 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਥੇਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ, ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਓਜ਼ੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 58 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਵ ਬਰਥਸ ਪਰ 1000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਰਥ ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਾ, ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਕ੍ਰੈਡੀਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 60 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी विच बैटल एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी भारत के उपर, ठीक है, केड़ी लड़ाई तो बाद हुई थी, ठीक है, पूछा गया। इस आंसर बनेगा बैटल ऑफ प्लासी, यानी ए ऑप्शन बैटल ऑफ प्लासी 1757। इस आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी जो 63 नंबर क्वेश्चन है, इसे एक बॉडी दी गई थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी, यह किस प्रकार की बॉडी है? यह बॉडी है एक स्टैचुरी बॉडी। इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन स्टैचुरी बॉडी। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है जिहड़ा, यह किस दे द्वारा रिलीज़ किया जाता है, पूछा गया सी। इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन नीति आयोग। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। उस तो बाद बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया सी जो मलेरकोटला है किहड़ा जिला बनया पंजाब दा, यह बनया 23वां जिला। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन 23वां 23rd। नैक्सट क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन, इंडिया का रैंक की है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के जो वर्ल्ड बैंक ने अपडेट की है, ठीक है, इस जो इंडिया का रैंक है वह है 63rd, ठीक है, 63, यानी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 67 नंबर क्वेश्चन, जो न्यू डेफिनेशन आई है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, ठीक है, और इस आपको पूछा गया है कि इस चीज़ में इनकलूड किया गया है, ठीक है, जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 के रिलीज़ किया गया है, ठीक है, किस चीज़ में ऐड किया गया? इस ऐड किया गया है एग्रीगेटर्स नूं। इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन एग्रीगेटर्स। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 68 नंबर क्वेश्चन, इंडिया के जो कोलेजियम सिस्टम होंदा है यह इंट्रोड्यूस किया गया सी किस दे लई किया गया सी? यह किया गया सी जुडिशियरी दे लई। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन जुडिशियरी। नैक्सट क्वेश्चन देखो किहड़ी यूनिवर्सिटी है जिसनों यूनैसको के द्वारा वर्ल्ड कल्चरल हैरीटेज का दर्जा दिता गया, रिकगनाइज किया गया? यह किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन नालंदा यूनिवर्सिटी। नैक्सट क्वेश्चन देखो 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन इज करैक्टली मैचड, इस जो स्टेट फॉर्मेशन डेट सही मैच की गई है वह की गई है ए ऑप्शन के हरियाणा 1 नवंबर 1966। इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन हरियाणा 1 नवंबर 1966। नैक्सट क्वेश्चन देखो 71 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया सी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस, यानी किस प्लेस के उपर जो फ्लैग सत्याग्रह है, ठीक है, ये सक्सैसफुल है जरा यह लॉन्च किया गया सी, यानी यह स्टार्ट किया गया सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक है, यह है बडोली सत्याग्रह। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन बडोली सत्याग्रह, ठीक है। नैक्सट है 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलटरी अलायंस, यानी दिए गए चार ऑप्शन के केड़ी मिलटरी अलायंस है? यह है नेटो, ठीक है, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन नेटो। नैक्सट क्वेश्चन देखो 73 नंबर क्वेश्चन, किहड़ा एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का विश्व का पहला एयरपोर्ट बनया सी जिस जो कि जो सोलर पावर इस उपर ऑपरेट किया जाता है इस एयरपोर्ट में? इसका नाम की है? इसका नाम है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इसका आंसर है ए ऑप्शन कोची एयरपोर्ट। नैक्सट क्वेश्चन देखो 74 नंबर क्वेश्चन, जो इरफान खान ने, ठीक है, इन्हों की मृत्यु हुई सी रीसेंटली 2020 के, ठीक है, और इन्हों नैशनल अवार्ड दिता गया सी किस मूवी के लिए? दिता गया सी इन्हों दिता गया सी पान सिंह तोमर मूवी के लिए, पान सिंह तोमर मूवी के लिए इन्हों अवार्ड दिता गया सी, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन पान सिंह तोमर, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो 75 नंबर क्वेश्चन, जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स ने 2022 के कितने ऑर्गनाइज किए जा रहे हैं? बीजिंग चाइना के, ठीक है, इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन बीजिंग चाइना। नैक्सट है 76 नंबर क्वेश्चन, इतों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आप इस जस्ट आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, उस तो बाद कंप्लीट सोल्यूशन है जो प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही जल्दी साढ़े चैनल के उपर, ठीक है। और इस जो 76 नंबर क्वेश्चन आंसर है सही वह है ए ऑप्शन 94 94, ठीक है। और नैक्सट क्वेश्चन आता है अपने कोल इस 76 तो बाद 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, इस आंसर है ए ऑप्शन ई जे, ई जे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा। उस तो बाद 78 का ए आ जाएगा 33, ठीक है, 79 का आ जाएगा डी ऑप्शन श्रब, श्रब यानी झाड़ी। नैक्सट है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा यह तुहानू बाद विच दस दिता जाएगा, ठीक है जी, यह सोल्यूशन करके तुहानू दिखा दिता जाएगा नैक्सट जो वीडियो आएगी, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन करांगे आपां जिस दे विच, ठीक है जी। नैक्सट आंदा है 81 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच जो ओड वन आउट है वह किहड़ा है? लार्ज, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन लार्ज। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर क्वेश्चन, आंसर है डी ऑप्शन ई आर आई आर एन वाई, इस आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, इस बेसिकली आपको पूछा गया कोड पूछा गया, इसका आंसर है अपना 199532, यानी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 84 नंबर क्वेश्चन, इस आपको पूछा गया ब्लड रिलेशन तो, ठीक है, इस जो सही उत्तर है अपना सिस्टर इन लॉ है, डी ऑप्शन है, ठीक है जी, सिस्टर इन लॉ डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 85 नंबर क्वेश्चन, जो 85 नंबर क्वेश्चन है यह पूछा गया डायरेक्शन तो, इसका सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा, ठीक है जी। इतने तुम डायग्राम दे सकते हो, इस तरह की डायग्राम बनेगी जी, ठीक है जी। नैक्सट है अपने कुल 86 नंबर क्वेश्चन, इस बेसिकली आपने दर्शाना सी जो अपने को वेन डायग्राम्स होंगे ने, ठीक है, टीचर्स
मैन और ऑथर्स इन्हों नू दर्शाना सी, ठीक है, इन्हों नू दर्शाया गया है ए ऑप्शन दे विच, ठीक है जी। नैक्सट आप देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन 7, 7, ठीक है जी। नैक्सट आता है अपने कोल 88th नंबर क्वेश्चन जरा इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन 6, ठीक है जी। इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 6। नैक्सट क्वेश्चन देखो 89th नंबर क्वेश्चन यानी 99 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन थर्सडे। नैक्सट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आंसर जोड़ा है वह है अपना बी ऑप्शन 16। नैक्सट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन 91st नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना 483, 27, 18 यानी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन 35, 35, ठीक है जी। नैक्सट आता है 93 नंबर क्वेश्चन 93rd इस आंसर है अपना डी ऑप्शन 4, 4 आएगा इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नैक्सट आता है 94 नंबर यानी इसको पहला 93 से हूँ 94 है, ठीक है। इस आंसर है 0.30 इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन 40, 40, ठीक है। 96 का है ए ऑप्शन 39, 39। नैक्सट आता है 97 नंबर क्वेश्चन 97th नंबर क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन 66, 66, ठीक है जी। नैक्सट आता है 98 का है सी ऑप्शन 1125 और 99 का है ए ऑप्शन 90, 90, ठीक है जी। नैक्सट आता है यह काफ़ी औखा लगे काफ़ी स्टूडेंट ना सॉल्व करा डिटेल नैक्सट वाली वीडियो के, ठीक है जी। इस 100 नंबर क्वेश्चन जो है इस आंसर की है, इस आंसर है अपना सी ऑप्शन 500, ठीक है जी, 500 रुपए। नैक्सट क्वेश्चन देखो 101 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी सी, इस आंसर है 3/4 ए ऑप्शन। नैक्सट है 102 नंबर क्वेश्चन इस आंसर बनेगा अपना 9:8, 9:8 यानी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 103 नंबर क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन आंसर है ए ऑप्शन 4, 4। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन इस आंसर है सी ऑप्शन 15, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन आंसर है ए ऑप्शन 30 यानी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन आंसर किया अपना ए ऑप्शन आफ्टर 2 hours 6 kilometers फ्रॉम स्टेशन ए, इस आंसर है अपना ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 107 नंबर क्वेश्चन इस बेसिकली जो लेंथ है ट्रेन की वो पूछा गया सी, इस आंसर कहना अपना 250 मीटर 250 मीटर यानी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 108 नंबर क्वेश्चन इस 108 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है डी ऑप्शन 64 seconds, 64 seconds। नैक्सट 109 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन 1 सही 1/3 times, ठीक है जी। 1 सही 1/3 times हो जाएगा, ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 110 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है अपना सही वो है डी ऑप्शन 6:3:2 यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा। नेक्स्ट 111 नंबर है 111 नंबर क्वेश्चन आंसर है बी ऑप्शन 3560.16, ठीक है, 3560.16 इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन 234.375 इस आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर क्वेश्चन आंसर की है अपना ए ऑप्शन है संडे है जी, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने यह लगाया से यह गलत लगाया सी बी ऑप्शन लगाया सी, बट इस आंसर है संडे ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 114 नंबर क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना इस पूछा गया सी अप्रैल 2001 महीने यानी 2001 के जो अप्रैल महीना आएगा उस वैडनेसडे किन्ने बार आएंगे, ठीक है, उन्होंने डेट पूछी गई सी, ठीक है। यह अपने को आएंगे पहला 2 होगा, फिर 9, फिर 16, फिर 23, फिर 30, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नैक्सट है 115 नंबर क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन के आपको एंगल पूछा गया सी 4:00 जो 20 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, इस एंगल किन्ने का बनेगा, यह बनेगा 10 degrees का, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन 10 degrees, ठीक है जी। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन किन्ने बारी कोइनसाइड करेगी, ठीक है, और ये कोइनसाइड भी पूछा गया सी, ठीक है, कोइनसाइड करेगी 22 hours 24 hours, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन 22 times। नैक्सट 117 नंबर क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया सी जो रेशो है दिखी गई से आपको, ठीक है, आपको एरिया पूछा गया सी पार्क का कितना बनता है 1,53,600, ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन एक गार्डन है उसका एरिया वगैरह पूछा गया सी आपको, ठीक है, इन आप कवर करा सारे सारे पेपर एनालिसिस करा डिटेल के, बट इस जस्ट आप आंसर के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 2000 यानी 2000। नैक्सट है 119 नंबर क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन जोड़ा है इस आंसर की अपना इस लेंथ और ब्रेथ पूछा गया सी हाल दी, ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 50 or 30 meters 50 or 30 meters इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 120 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन जोड़ा है इस आपको डैप्थ पूछी गई सी ड्रेनलेट की, ठीक है, जी ड्रेनलेट है उसकी डैप्थ पूछी गई सी डूंगाई पूछी गई सी, ठीक है, गहराई जिन्होंने बोलते हैं आप, इसकी गहराई कि 1.227 meters, ठीक है, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन।
सो ये अपने को जो इस पेपर के पूछे गए से सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे अपने आंसर की डिस्कस की है, सिर्फ और सिर्फ आंसर की डिस्कस की अपने इस स्पैशल वीडियो के ठीक है जी। इसका कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करा आप कले कले क्वेश्चन का तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करा बहुत ही जल्दी ठीक है जी। इस 120 क्वेश्चन की अपने आंसर की डिस्कस कर ली, तुम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दस दौ ठीक है। 120 क्वेश्चन के तुमने किन्ने क्वेश्चन ने जोड़े इस आंसर की अकॉर्डिंग सही अटैम्प्ट किए हैं, बाकी अगर इस दो क्वेश्चन गलत करवाया गया होएगा ठीक है वह भी तुम्हें कमेंट के पिन कर दिया जाएगा ठीक है जी। क्योंकि जल्दी जल्दी के पेपर जो सॉल्व है वो किया जाता है, इस करके हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में चैक कर लेना, पिन कमेंट के प्रोवाइड कर देंगे जी जो भी आंसर की होएगी, एक दो क्वेश्चन जो भी गलत करवाया गया होएगा इस वीडियो के। वैसे साढ़े द्वारा कोशिश की गई है कि एक भी क्वेश्चन तुम्हें गलत ना करवाया जाए इस आंसर की दे, बट अगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स है जो पिन कमेंट बॉक्स उसको चैक कर लेना ठीक है जी। इस आंसर की दे अकॉर्डिंग तुम अपने कमेंट बॉक्स में जो अपने नैगेटिव मार्किंग घटा के अपने जो नंबर ने उन्होंने दस दौ कि नंबर तुहाडे बनते हैं इस आंसर की दे अकॉर्डिंग।